हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैच को। तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लेके। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BGMI में हम लोगों को आज के दिन देखने के लिए मिला है एक काफ़ी ज़्यादा एंड एक काफ़ी बढ़िया टाइप का लकी स्पिन। गाइस, अगर मैं ऐसे ऑनेस्टली बोल दूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ जो तुमको मिथिक सेट मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसी के साथ में गाइस, यहाँ पर तुमको जो DBS का गन स्किन मिलने वाला है, तुम लोग अभी उससे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस ये गन स्किन में एक ही कमी है, वो मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ। बट भाई, क्या ही ये सेट लग रहा है, तुम लोग देख लो। मैं अभी यहाँ से हेलमेट भी निकालता हूँ, बैकपैक भी निकालता हूँ, इसके जो शेड्स लगे हुए हैं वो भी निकाल लेता हूँ। अभी तुम देखो क्या ही ये सेट लग रहा है भाई, स्कैरी प्लस फनी एट अ सेम टाइम। बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अगर तुम्हारे पास में कोई वाउचर पड़े हो, अगर तुम्हारे पास में 10 रॉ के जो वाउचर पड़े हो, तो तुम लोग इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। क्योंकि जिसको भी भाई 10 UC में ये सेट निकलेगा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, पैसा वसूल हो जाएगा उस बंदे का। तो तुम लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इन सेट्स को या फिर ये गन स्किन को। इसी के साथ में काफ़ी बढ़िया बैकपैक, मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली बहुत बढ़िया बैकपैक है ये। ये बैकपैक को भी और दूसरी जो चीज़ें यहाँ पे सभी को निकालने की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग ये ट्रिक्स को यूज़ करके, तुमको अगर ये लकी स्पिन पसंद आया है तो डेफिनेटली इसे निकालने के लिए जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लक हाई होता है इधर। एंड इसी के साथ में BGMI ने सेम लकी स्पिन में एक छोटा सा स्कैम भी किया है। कुछ लोग इसे छोटा सा स्कैम बोलेंगे एंड कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कैम भी इसे बोल सकते हैं, तो तुम लोगों को वो स्कैम बता दूंगा। इसी के साथ में गाइस, 3.5 अपडेट से काफ़ी सारी लीक्स निकल के आ चुकी है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर कर लेना कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 3.5 के अपडेट से निकल के आ रही है जो लीक्स, उनके बारे में। तुम लोग शायद ऑलरेडी हो सकता है कहीं देख चुके होंगे इसे, लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैं तुमको बता देता हूँ। जो तुम्हारा 8 रॉयल पास आने वाला है 3.5 के अपडेट में, उसमें तुम लोगों को जो 100 RP पर सेट मिलने वाला है, तुम लोग अभी उसे स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड 8 रॉयल पास में तुमको जो डैगर मिलने वाला है, उसका जो अपग्रेडेबल स्किन है, तुम उसे भी देख सकते हो इसी करेक्टर के हाथ में। यहीं पे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड ये चीज़ का अंदाज़ा तो हमको लग ही गया था कि ये एक ग्लेशियर टाइप का डैगर होने वाला है। अब भाई, मैं तुम लोगों को इसकी कंप्लीट लुक्स भी बता देता हूँ, अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है वो डैगर। अगर भाई मैं इस डैगर की ओवरऑल बातचीत कर लूँ तो ये जो डैगर है ना, अपग्रेड होने के बाद में जो तुमको किल मैसेज देगा वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ, बहुत ही अमेजिंग हुआ। अब गाइज, अगर 3.5 के अपडेट के रिगार्डिंग हम और भी बातचीत कर ले तो ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि जैसे अभी BGMI 3.4 के अपडेट में तुम लोगों को पता होगा, ये जो बुल्ली बटर से तुम लोगों को फाइट करना होता है, पता नहीं इसे क्यों डाला है गेम में, ना ही इसे BGMI में डालने का कोई तुक है एंड ना ही पबजी मोबाइल, पबजी KRET से कहीं डालने का भाई इसको कोई तुक नहीं है। भाई ये इतना ज़्यादा हरामी है, एमओ तो खाई जाता है, 4 लोगों का एमओ साइमल्टेनियसली खाता है, और उसके एक्सचेंज में जब तुम लोग इसे मार दोगे तो तुमको मिलने वाली भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे साला तुम थोड़ा सा टाइम लगाकर मैप में टोकन जमा करके टोकन स्टोर से भी ले सकते हो। कई मरतबा तो ऐसा होता है कि जो ड्रॉप की लूट आती है, मतलब जो तुमको P90 का बोलो, AMR, OM, ETC जितनी भी ड्रॉप की गन है, वो भी ये नहीं देता कभी कभी। तो इसे डालने के पीछे क्या रीज़न था, आई डोंट नो। बट 3.5 के अपडेट में भी तुमको ऐसे ही एक चीज़ मिलने वाली है, जो होगा ड्रैगन। जो ड्रैगन तुमको मिलने वाला है अभी, तुम लोग उसे भी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है 3.5 के अपडेट में, जैसे तुम्हें ड्रैगोला से फाइट करना है वैसे ही इस ड्रैगन से भी फाइट करना होगा। बट देखो, अब मेरा यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना है भाई, अगर तुम ये ड्रैगन वगैरह से फाइट देते हो तो ड्रैगन को मारने के बाद में ही तुमने रिकॉल वगैरह देना, क्योंकि 3.4 के अपडेट में तो हम यही सोच के चले थे। बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्राफ्टन वाले ऐसा प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि एक डब्बा रखेंगे जिसके चारों तरफ नंगा नाच होने वाला है, एंड वही नंगे नाच के बीच से तुमको रिकॉल उठा के लाना है। तो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता किसी ने एक्सपेक्ट किया था। मुझे ऐसा लगा था कि हमको ड्रैगोला से फाइट करना है, ड्रैगोला से फाइट करने के बाद में वहीं से हमको रिकॉल वगैरह मिलेगा, बट ऐसा ऑब्वियसली नहीं हुआ है। तो अगर इस बार ये चीज़ हो जाती है कि ड्रैगन को मारो, उसी के बाद तुमको रिकॉल मिलेगा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। सो लेट्स सी, और कोई फर्दर लीक निकल के आएंगी मैं तुम लोगों को ज़रूर बता दूँगी। नाउ गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं आज के दिन हमको BGMI में देखने के लिए मिला है एक लकी स्पिन। सो बहुत सारे लोग मेरे से ऑलरेडी पूछ रहे थे कि भाई, हमने लकी स्पिन का 10 फ्री ड्रॉ वाउचर निकाला है, लकी स्पिन BGMI में कब आने वाला है। तो देखो, लकी स्पिन की तो ऐसी कोई कंफर्म डेट थी नहीं, या फिर डेट निकल के भी आई थी, मतलब आज की ही डेट थी। बट मैं किसी को इसलिए नहीं बता रहा था कि मुझे पता है BGMI वाले भाई कभी भी हक देते हैं। वो एक तारीख का कोई लीक देते हैं, उसके बाद में BGMI में कोई लकी स्पिन हो या क्रेट हो, वो 10 तक भी नहीं आता। तो ये चीज़ की मेरे को डेट पता थी, बट मैंने तुमको नहीं बताया। रीज़न यही है कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। बट जो भी लकी स्पिन आया है, लकी स्पिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, रिवर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी है, तुम लोग ये DBS को देख सकते हो, बहुत ही लाजवाब DBS, जितनी तारीफ की जाए उतनी ज़्यादा कम है। बट अगर ये DBS अपग्रेडेबल हो जाती तो फिर भाई क्या ही मज़ा आ जाता था।
तो ये DBS भी मेरे को लुक वाइज तो काफी ही ज्यादा अमेजिंग लगी है, लेकिन अगर ये DBS अपग्रेडेबल होती तो फिर बहुत ज्यादा मजा आ जाता। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो मिथिक सेट मिलने वाला है बहुत लाजवाब है, तुम लोग इसे डेफिनेटली निकालने के लिए जा सकते हो। तुम लोग ऑलरेडी इसे चेकआउट वगैरह कर चुके होंगे। भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को यहाँ पे लगी है वो है यहाँ का बैकपैक। भाई क्या ही बैकपैक है, मतलब जो पहला इसका लेवल वन है, लेवल वन में तुम लोगों को एक बैकपैक देखने के लिए मिलता है जो बेसिकली एक सैक की तरह है, जिसमें एक छोटी सी हमको दरार देखने के लिए मिलती है यहाँ। उसके बाद में जब लेवल टू का बैकपैक लोगे तो यहाँ पे तुम लोगों को बैकपैक का वो जो दरार था जो हमको लेवल वन में देखने के लिए मिला था, उसमें से दो हाथ प्लस इसी के साथ में एक आंख नजर आ रही है जो बैकपैक के अंदर से झांक रही है। भाई काफी ज्यादा स्कैरी एंड अमेजिंग इस कंसेप्ट के लिए मेरी तरफ से भाई 10 out of 10। इसके बाद में फाइनल फॉर्म भी तुम लोग देख सकते हो, मतलब लेवल 3, क्या ही अमेजिंग है भाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा कम है। तो काफी बढ़िया बैकपैक मेरे को पर्सनली लगा ही गया। तो अब देखो BGMI में आज के दिन हम लोगों को ये लकी स्पिन देखने के लिए मिला है और ये BGMI में रहेगा 11/11/2024 तक, मतलब एक महीने से ऊपर ये BGMI में रहने वाला है। अब अगर गाइज इसमें से कोई भी रिवॉर्ड तुम लोग निकालना चाहते हो तो सबसे आसान तरीके तो यही है कि तुम लोग जो तुम्हारे रिकॉल टोकन है तो तुम लोग रिकॉल टोकन की हेल्प से निकाल सकते हो 10 times ड्रॉ वाउचर जो तुम लोगों को यहाँ पे स्टोर में देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर तुम लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे ये जो रिकॉल टोकन है इससे लेना है, तो वो अगर तुम जानना चाहते हो तो मुझे तुमने कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि तुम लोग कैसे विदाउट किसी प्रॉब्लम के बड़ी आसानी से ज्यादा रिकॉल टोकन ले सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे वीडियो देखना है तो कमेंट में रिकॉल लिख देना। तो तुम लोग रिकॉल टोकन से ये 10 times लकी स्पिन को ड्रॉ वाला वाउचर है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो गाइज यहाँ पे भी तुम्हारे प्राइम एंड प्राइम प्लस के जो वाउचर है वो यूज होने वाले हैं, तो एक काफी ज्यादा बढ़िया डील है जिसकी हेल्प से तुम्हारी यहाँ पे जो स्पिन होने वाली है काफी सस्ते में और काफी अमेजिंग तरीके से हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जो तुम लोग यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और भी तरीका है, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो तुम लोग ये चीज अच्छे तरीके से अभी देख सकते हो, अचीवमेंट कम्प्लीट करने के ऊपर भी तुम लोगों को यहाँ पे वाउचर मिल रहे हैं। वाउचर तुम लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर ये वाउचर तुम्हारे पास में है तो फिर तुम लोग बड़ी आसानी से 10 times फ्री में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कुछ काफी अमेजिंग ट्रिक है जिसकी हेल्प से तुम लोग यहाँ से जो भी रिवर्ट चाहो निकाल सकते हो भाई। लेकिन ये लकी स्पिन काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा जितना ज्यादा हो सके 10-10 CC का तो तुम यहाँ पे डेली स्पिन करो कुछ। अगर तुम लोगों को ये तीनों चीजों में से दो अगर तुमको कुछ भी निकल गया, मिथिक सेट, गन स्किन मतलब जो DBS का गन स्किन है वो, एंड इसी के साथ में बैकपैक, ये तीनों चीजों में से कुछ भी तुम्हारा निकल गया तो ये मुझे ऐसा लगता है काफी रेयर आइटम होने वाले। अब गाइज देखो ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैंने तुमको बता दिया कि तुम लोग रिकॉल टोकन से ले सकते हो 10 times वाला वाउचर, इसी के बाद में अचीवमेंट से ले सकते हो, इसी के साथ में प्राइम प्लस से इसे निकालने की ट्राई कर सकते हो, जो बेसिकली काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है। अगर तुम लोग ये ट्रिक को फॉलो करते हो तो तुम्हारा ये काफी तगड़ा बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे। बाकी गाइज आप अगर हम लोग इससे हटके बात कर ले तो तुम लोगों को ये चीज पता होंगी, BGMI आए दिन कोई ना कोई बदतमीजी करते रहता है, इसी तरीके से ये लकी स्पिन में भी हमारे साथ बदतमीजी हुई है। अगर हम पबजी KR की बात कर ले जिसको BGMI 1000% फॉलो करता है, तो जो इसका रिडीम सेक्शन है पबजी KR का, सेम लकी स्पिन का जो आज के ही दिन हमको पबजी KR में देखने के लिए मिला है, तुम लोग देख सकते हो ये है वो रिडीम सेक्शन। अगर तुम लोग इसके रिडीम सेक्शन में जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 250 टोकन अगर तुम्हारे पास में है, मतलब ये वाले जो टोकन तुमको जो लकी स्पिन से मिलते हैं, अगर तुम्हारे पास ये 250 है तो भाई लोग 250 टोकन में यहाँ पे तुमको अपग्रेडेबल कार्स मिल रही है, अपग्रेडेबल बाइक्स मिल रही है, वो भी ऐसी बाइक्स जब ये आज से कुछ दिन पहले BGMI में आई थी तो लोगों ने काफी तगड़ा पैसा वेस्ट किया था इसे निकालने के लिए, और ये यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 250 टोकन लगाने पे मिल रही है जिसे BGMI में ऐड ही नहीं किया गया है। तो BGMI वालों की बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं रोकने वाली, तुम लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी अच्छे तरीके से पता होंगी, बट अगर नहीं पता है तो अभी मैंने तुमको बता दिया है कि BGMI ने यहाँ पे हक दिया है, ना ही हम लोग यहाँ पे BGMI को कुछ बोल सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। तो गाइस ये BGMI है, इट इज़ वॉट इट इज़। तो अगर तुम लोग इन्हें गाली वगैरह बकना चाहते हो तो अपने हिसाब से बक बक देना, मुझे तो तुम लोगों को सिर्फ ट्रिगर्ड करना था, मैंने जो ऑलरेडी तुम लोगों को कर दिया है। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर मेरा काम काम का लगा हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो तुम लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।